आप मेरे मम्मी पापा पे क्यों जा रहे हो? अपनी औकात में रहो आप। एक तो रोनी के दादाजी वरना गाली गलौज मेरे को भी आते हैं। कैसे बात कर रहा है तू? कैसे बात कर रहा है तू? दादाजी से पागल हो गया? ओए तुझे कुछ नहीं पता, इतनी देर से मेरे ऊपर चढ़े हुए लोग। ओए दादाजी इसके हाथ में शराब की बोतलें देख ली, तब से उल्टा झुल्टा पड़ा दादाजी को देख लिया। ऐसे रोनी इतनी देर से माफी मांग दादाजी से। मैं क्यों माफी मांगू? इतनी देर से ये लोग बोले तो इन्हें माफी मांगनी चाहिए ना। तुम गुलाटियों ने एक की दो दुकान कर ली तो जो तुम कहोगे वो सही है, और मैं माथे में बस कुछ नहीं तो मैं गलत? अगले वाली बकवास की जा रहे, दिमाग खराब हो गया तेरा? दादाजी से माफी मांग लिया वरना कांड हो जाएगा यहाँ पे हमारे बीच। कांड हो जाएगा बेटा, बदल गया तू। सबको देख लूंगा मैं, देख लूंगा तेरे को मैं। ओ चफा हो यहाँ से, चले लोगे जल्दी से। ओ खबरदार जो तुम्हारा यहाँ आया। साला स्कूल में कहता था किसी को बताना मत, साड़ियों की दुकानें मजाक बनाएंगे। आज ब्लाउज पेटीकोट बेच बेच के मिसेस मैन बन गया। रॉनी मैचिंग सेंटर नहीं, मिस मैच है तू। मिताली भेंट की है, सब गुलाटी हो गए। इन गुलाटियों की मैंने माँ बहनी नहीं कर दी ना तो मेरा नाम बदल देना। टमाटर मूली टिंडे फ्रिज का नया कवर। पसरीचा आंटी कहती हैं कि मैं अपने घर की महिला हूँ। कहती हैं तो कह, खाना उनसे अच्छा बना लेता हूँ। उनसे क्या, सबसे अच्छा बनाता हूँ। पिछली होली पे ना भिंडी के चिप्स बनाए थे मैंने, कॉलोनी में अभी तक चटकारे ले रहे हैं लोग। बचपन से ना एक ही विषय कि एक रेस्टोरेंट हो मेरा खुद का, कभी भी फ्यूचर में। अभी तो बड़ा टाइम पड़ा है यार, पहले 12वीं पास तो हो जाऊं। क्या आपकी गाड़ी बार बार ठुक जाती है? क्या आप परीक्षा में बार बार फेल हो जाते हैं? क्या आपकी बीवी पर चलन है? क्या नौकरी में बार बार आपका डिमोशन हो जाता है? नो प्रॉब्लम, पाइए बाबा जी की कृपा, हॉट एंड फ्रेश, माँ की रोटी जैसा गर्मा गर्म ताजा आशीर्वाद। और अब अगला प्रोग्राम। पापा, तुम्हारा रिजल्ट कब आ रहा है? पापा एक दो दिन और लगेंगे। क्यों? वो कॉपियां चेक करने चेन्नई गई है ना। चेन्नई? वहां तो बड़ी हार्ड मार्किंग होती है। पर मम्मा, मैंने इतनी अच्छी प्रिपरेशंस की थी। हार्ड मार्किंग हुई है, हार्ड मार्किंग, इसीलिए ऐसे नंबर आया है। तो सबको ही ऐसे मार्क्स आए होंगे ना? और क्या, मैं कुछ तेरे को झूठ कह रही हूँ? चल अब रोना धोना बंद कर, ले पानी। चल ये लो भाई, 20 रुपए। 20 रुपए? 40 हुए ना भाई साहब। कैसे? अरे दो बच्चे हैं ना आपके। हाँ तो? हाँ तो दिखाई नहीं दे रहा क्या लिखा है? पब्लिक स्टूडेंट 20 रुपए, गवर्नमेंट स्टूडेंट 10 रुपए। फेल के लिए फ्री है भाई साहब, फेल के लिए। तो मेरा एक बेटा फेल है ना। कैसे फेल है, कितने नंबर है इसके? 85। और इसके? 37। हाँ तो 37 पास हुआ ना भाई साहब। 37 मेरे लिए तो फेल है ना भाई साहब। कैसे फेल है यार, 20 रुपए निकालो यार आप। वो फेल है, तू क्या देख रहा है, चल यहाँ से। भाई साहब 20 रुपए दो यार आप। चले, कैसा आदमी है यार, मैं बता रहा हूँ जिंदगी भर फेल ही रहेगा ये। बात करता है। अरे यार चप्पल बाहर निकालो यार, कारपेट नया बिछा है यार, देख लिया करो यार। गुस्ते आ रहे हो, गुस्ते आ रहे हो यार। उतार तो दिए। योगेश भाई रिजल्ट देखना है। लाइन देख ले पहले। यार हमारा पहले करवा दो। हमारा पहले करवा दो यार, बारात में आए हो तुम हैं? ये बंदा है ना, रेगिस्तान में रेत बेच दे और ठंडी में आइस। मेरा बेस्ट फ्रेंड है, नाम है रोनी गुलाटी। योगेश भाई कुकू। हाँ तो भाई इसकी माँ नहीं है, बिन माँ का बच्चा यार, आप कैसे बात कर रहे हो? दिन रात परेशान रहता है, नन्ही सी जान घर का सारा काम करता है, अपनी छोटी बहन के लिए खाना बनाता है, उसका ध्यान रखता है। अब ये लाइनों में लगेगा रिजल्ट के लिए या घर का काम करेगा यार? सोचो आप, समझ नहीं रहे हो। हाँ ठीक है यार, ठीक है, दिखाओ यार। आजा कुकू आजा। अरे हटो यार, क्या भीड़ मचा रखी है यार, हटो यार, गर्मी तो देखो कितनी हो रही है। इसके सर पे बैठ जाओ, फिर बताएगा जल्दी। हट राजू हट।
उसमें एक और बढ़ा दो ना मेरे वाले में, मतलब 15,420। ओ 15,420। तरची की औलाद, हमेशा मेरी मनी माँ की सिंपति लेता रहता है। काम हो गया ना। ये लो भाई देख लो। ओ 89। हाँ तो ओए 90 ओ चलो चलो पार्टी होगी आज। अरे यार पैसे तो दे जाओ कुकू। वो पेपर लीक कराए होंगे। सीमा दीदी क्या है ना, मैं पिछले 7 साल से ट्यूशन पढ़ रहा हूँ, लेकिन असली रीजन तो है वो मिताली सामने रहती है। मैं 5'10" का और वो 5'9" की। रोनी कहता है हमारी तो हाइट भी मिलती है। हाँ जी मम्मी जी। मिताली की मॉम मालती, कॉलोनी में दोनों काफी मशहूर है। लोग उनकी बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं कि दोनों माँ बेटी लिफ्ट पढ़ा लेती हैं, लेकिन सिर्फ मोटी पार्टियों से। पर ऐसा कुछ नहीं है, बकवास करते हैं सब। एक दिन मैं भी लिफ्ट दूंगा, एंड आई नो मिताली मना नहीं करेगी। क्या कर रहा है, चल ना। कुछ नहीं है, आ जा। यार मैं ना कजन के पास गया, उसमें ना ऐसे भागता वो शू शा। अरे भाई ये कम्युनिटी सेंटर कहाँ पे पड़ेगा? कम्युनिटी सेंटर? हाँ भैया, हमें ना नहीं आए हैं, हमें नहीं पता। अरे क्या ओ दत्तू कहते हैं बिजनेस का पहला रूल है, जहाँ से रिटर्न नहीं आना वहाँ टाइम क्यों वेस्ट करना। चल चल। ओ काका जी, जे है जूता, बताओ जे क्या है? सोल। ओए सोल नहीं, सोल होता है आम जूतों में, इसमें लगा हुआ शॉकर। ओए शॉकर लगता है बड़ी बड़ी गड्डियों में ताकि उनको शॉक ना लगे, बाहर से वो खराब ना हो, इसीलिए इसमें भी शॉकर लगाए और इसके जूते को कभी डैमेज नहीं हो सकता। बताओ काटू बिल। तो वैसे तो मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ, पर ये भी सुनो, वो इसका डिजाइन भी बड़ा ही शानदार है, सुपर है सुपर। इसमें हवा जहाँ से आती है और जहीं से बाहर चली जाती है। क्रॉस वेंटिलेशन। आहो देखो देखो अंकल, ये टेक उल्टा नहीं लगा? ओहो तू देख ही उल्टा रहा है, आल है, हो गया ना सीधा। ऐसे तुम पहन के चलोगे तो सीधा ही लगेगा ना। क्यों भाई, बिल्कुल जलेबी, मेरा मतलब कुतुब मीनार की तरह। सही है यार, दिखाओ। ये ओरिजिनल है ना? टोनी। अरे अंकल मजाक कर रहा था अंकल मैं तो। ये कोई कौन से तरीके का मजाक है जे, हैं? तुम्हारा क्या मतलब, मैंने गोदाम में जूते पर रखे हैं और निक्की का ठप्पा लगा के चोर बाजारी से बेच रहा हूँ? नहीं नहीं अंकल, सॉरी अंकल, मजाक कर रहा था, पता नहीं है इसे। कोई गल कोई गल। अंकल जी कितने का है? अबे तुम्हारे लिए 1550। देना कितने का है? 1550। डिस्काउंट तो दे दो। 1 रुपया देता 1549। बताओ काटू बिल। ले लो। ले ले यार। ओ काटू बिल। ओ शाबाश काका, जिंदा रहे। टोनी। हाँ जी। सही ना, इधर भी टोनी उधर भी टोनी। भाप हम तो से बात नहीं करेंगे, आप बहुत झूठ बोलते हैं आजकल। का झूठ बोल दिए हम तुमको? आप साड़ी का दुकान में ना काम करते हैं? हाँ तो क्या हुआ, इतना महीना में हमरे लिए एक साड़ी नहीं भेजी अपनी पसंद का? का भेजेंगे? ऐसे बोल रही हो जैसे हम कुछ नहीं भेजे तुमको। का भेजे बताइए? मोबाइलिया याद नहीं? मोबाइलिया नहीं भेजे हम तुमको? वो मोबाइल का कोई फायदा नहीं है। का है तोरी अम्मा? का हुआ अम्मा को? अम्मा को कुछ नहीं हुआ, वो मोबाइल माँ तोरी अम्मा सारा दिन गेम्बा बजाती रहती है ना, टन 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 टन। हमका कहाँ लेती है, हम उस टेडी से तो का फोन कर रहे हैं बताइए। हमरे लिए कुछ नहीं किए, कुछ नहीं भेजे, हमरा हाल भी नहीं पूछे हैं। हम मर भी जाएंगे तो का कोई फिक्र नहीं होगा बताइए। वो देख, अरे मारे तोरे दुश्मन। कौन है? हमारे दोस्त लोग हैं। फोन रखो हम बाद में फोन करते हैं। दोस्त लोगों के लिए तोरे पास समय है, हमरे लिए नहीं। कैसे हो सुरेश? काहे बैग लाए थे हम का बताइए, 6 महीने तो थोड़ी ऐसे काहे बोल रहे हो? काहे बात सुनो तो। रोनी के दादा की ना गीता कॉलोनी में साड़ियों की दुकान है, यहाँ गोदाम पे सारा माल रहता है, जैसे जैसे जरूरत पड़ती है दुकान पे भेजते जाते हैं। पर अपने लिए तो ये है अपना अड्डा,
यहाँ पीते हम शराब। शराब मतलब फ्रूट बियर। झूठ मूठ वाली, पर फील आती है एकदम टल्ली वाली। यार पापा से कह के इस बार एक सेकेंड हैंड बाइक ले ही लेता हूँ। बाइक क्यों यार? मिताली दिखी थी आज। और यार वो तो रोज ही दिखती है, नया क्या है? साले सालों से सेटिंग चल रही है मेरे उससे, ठीक है? सालों से ना सिर्फ तू चल रहा है, वो तो दौड़ रही है बाइकों पे लॉन्डो के साथ। कुत्ते हैं साले। हाँ अरे इस बार पक्का दिलाएंगे तुमको। वो देखो देख यारी अपनी बीवी। नहीं नहीं तुम घबराओ मत जा। देख कैसे शर्मा रहा है यार। सच्चा प्यार ऐसे ही होता है। ओए बॉटम्स अप, बॉटम्स अप। तो ओलंपिक में तुमने गोल्ड मेडल मार दिया। फिजिकल एजुकेशन में 90%। एक तो मुझसे पूछे बगैर तुमने ये पांचवा सब्जेक्ट लिया। नासा के लोग पहलवानी करते हैं आजकल, हैं? साइंटिस्ट लोग कसरत करते हैं क्या? और बाकी सब्जेक्ट के क्या हाल है? मैथ्स 44 और इंग्लिश? अरे पापा किसी में भी हो, पहली बार 90% आए हैं भैया के, और बाकियों में भी कंपार्टमेंट थोड़े ना आए हमेशा की तरह। पापा ट्रीट तो बनती है। ठीक है रात को खाने में पनीर बना लेना, ले लो इसे में सब कुछ कर लेना। और ये थैंक यू पापा। ये कॉलेज में फॉर्म भरने के लिए, कल कॉलेज जाकर फॉर्म भरना। और हाँ पासपोर्ट साइज फोटो बनवा लिया तुमने? हाँ पापा रखा हुआ है। ठीक है जाओ। अरे जाओ भी। माफ की सड़क है तुम्हारी। और मैंने गाड़ी का शीशा नीचे किया और बोला ओए सॉरी ते बोल। नमस्ते जी। वो देशराज वही सवारी सूट है ना जो तूने पिंटू के मुंडन में पहना था? भाई 12 साल बीत गए, चमक नहीं गई तेरे सूट की। भाई दादाजी की जो नजर है ना, मतलब एक बार वो चीज देख ले तो छप जाती है जी हमेशा के लिए फॉरएवर। ओए देशराज की बल्ले बल्ले। ये बम है ना बम, मैं डीजे के सर पर जाकर फोड़ दूंगा, ठा करके फूटेगा। ये बम है ना बम करके फूटेगा, ठा करके फूटेगा। बम करके फूटेगा, ठा करके फूटेगा। दादाजी वो बबलू पिंटू है ना, वो डीजे के सर पे तो बम फेंकने वाले हैं। ओए हिमांशु कौन जी दादाजी? ओ जरा देख रहा तू हो क्या रहा बात? ओ देखता हूं जी देखता हूं। ओ बेबी कॉलिंग बैक। ओए एक सेकंड एक सेकंड। ओए बबलू पिंटू क्या कर रहे हो? ओए परे हो जाओ। ये गया जी बम। ओ पार्टी चालू है भाई, ऑन है ऑन है। ये बम अंकल जी ऐसे थोड़ी ना होता है, खाना खा के जाना। अच्छा अच्छा ये खाओ। ओए मम्मी ओए कुकू यार मैं तुझे फोन करने ही वाला था। छोटा अरे यार मुझे भी ना पता नहीं था, मैं घर आया और सबने सरप्राइज दे दिया ऑल ऑफ अ सडन। दादाजी ने पहन के रखा यार तूने? मजाक मत उड़ा यार, दादाजी लेके आए पर्सनली मेरे लिए। सही लग रहा ना, फिटिंग सही है छोटा? कैंट लग रहा एकदम है भाई। तो अच्छी है। आई नो मैन। ये हो क्या रहा है यार? ये कोई पार्टी है, मुफ्तियों को बुला लिया दादाजी ने फ्री की कोल्ड ड्रिंक पिलाने के लिए। और कुछ नहीं है, तू टेंशन ना ले हम लोग। तू क्या सुन रही है? जाना सच्ची से मिल के आ। अच्छा हम लोग ना अपनी पार्टी करेंगे कुटाउन में, अपनी ब्रांड वाली पिएंगे। और रुक तू एक सेकंड, तू ना अपने ब्रांड की ना ये ले 100 रुपए
तू लेके रखियो दो। अच्छा, समझा भाई, मजे करेंगे संडे को गोडाउन में पार्टी। एक सेकंड, ये ना मेरे को जीने नहीं देंगे। आ गया जी, ये जो अरेंजमेंट, मैं ना आता हूं 10 मिनट में, तू खाना वाना खा के जाइयो, ऐसे मत जाइयो ठीक है, और अपने ब्रांड की याद से ले लियो। एक सेकंड, आ रहा हूं मामा जी, जान ले लो रोनी की। आ हेलो आंटी, नमस्ते आंटी, कैसे हो आप? कैसा है कुकू? बस आंटी सब बढ़िया। मेरा पुत्र। आंटी ये रोनी। पुत्र, तेरे पापा जी नहीं आए? वो है? पापा नजर ही नहीं आ रहे। खाना खाया कि नहीं खाया? हाँ आंटी अभी मैं। कोई बात नहीं, पनीर ते 10-12 रोटी पैक करके दे देती हूँ। ठीक है आंटी। तू भी खाना, ते पापा नु भी खिलाना ठीक है? आंटी जी है रोनी दा फ्रेंड है का। नमस्ते आंटी। बिन माँ दे बच्चे ना। कोई नहीं, तुम भी मेरे बच्चे ही हो, है छोटा। ओ मेरा पुत्र, आजा 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 आजा, लग जा गले। माँ ना तेरी, ला जी ना, अनाउंसमेंट हो गई। चल 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 पुत्र, चल चल चल। रोनी की लाइफ तो सेट है। अभी कहाँ है? क्यों? अभी तो दुकान खुली है, लोग आएंगे, खरीदेंगे, बेचेंगे, अजी प्रॉफिट बनेगा, तभी तो चलेगी दुकान। पता नहीं चलेगी भी कि नहीं है। भाई ऐसे कैसे नहीं चलेगी है? 60 साल पुरानी दादी की साड़ी की दुकान है साइड में है? अब जो लोग आएंगे हैं, औरतें औरतें आएंगी तो साड़ियाँ खरीदेंगी तो बिना ब्लाउज पेटीकोट खरीद के ले जाएंगी। पॉइंट तो है जी। चमक गया भाई, सेट है लाइफ। Ronnie, Ronnie and Cuckoo, what's in a name? Both of them are same. But after they grew up, everything has changed. Bhaiya, haan? Photo Cuckoo Mathur. Haan, ek. Ye lije photo. Bhai, tumhara wo dost hai na, Ronnie, uski ek photo padi hai, usko de diyo please. अब कंफ्यूजन क्लियर हो रहा था। 20 कुकू मिलकर भी एक रोनी नहीं बन सकते। निकाल। देख भाई, इतने कम मार्क्स में हिस्ट्री इकोनॉमिक्स तो भूल ही जा, फिजिकल एजुकेशन कर ले, हो जाएगा। डन। शराब। रोनी नहीं है, है? कहाँ गया? बताए नहीं हमको। अरे कहाँ लाए? हाँ कुकू। हाँ कहाँ है भाई? तू कहाँ है? अबे गोदाम पे यार, तूने प्रॉमिस किया था संडे आज। आज संडे? हाँ तो यार दुकान तो मंडे को बंद होती है ना। तो मंडे को मिलियो यार, तू आज देख ले यार अपना खुद का। यार पर तूने प्रॉमिस किया था यार। तो यार क्या प्रॉमिस किया था? प्रॉमिस किया था यार, काम कर रहा हूँ यार, वेला थोड़ी ना मैं तेरे दुकान पे बैठता हूँ यार मैं। तू दो मिनट में फोन कर रहा है यार तू। अरे सर, सूखे सूखे काहे लौट रहे हैं? आज हमारे साथ ड्रिंक कर लीजिए। दारू आपका, गिलास हमारा। नहीं यार कुछ काम है। क्या काम है? कुकू,
रौनी भैया तो बिजनेसमैन हो गए, अब आपका का प्लान है? कॉलेज, पढ़ाई 2-4 साल, फिर नौकरी अपने पापा की तरह। लाइफ एकदम चेंज हो जाती है। सरकारी नौकरियां तो है नहीं आजकल, प्राइवेट कीजिएगा हमारी तरह। अरे कुकु भैया, अब तो आप भी हमारी बिरादरी के होने वाले हैं, वेलकम लगे। ओए पागल हो गया क्या? कहाँ है, क्या बात कर रहा है, चल नहीं पीने तेरे साथ। कहाँ बोले? अरे जाना तू। अरे हेलो भाई, सारे इकट्ठे हो लियो। अरे तेरे के ब्याह का धंधा दूंगा, तू भी आजा लाइन में लाग जा। छह इकट्ठे लाकर नू तीनों लाइन बना लियो, एक इस पोल से लेकर उस पेड़ तक दौड़ लगानी है तुमको, ठीक है? और जब मैं सिट्टी मारू तब तुमने दौड़ स्टार्ट करनी है सारे आने। भाभी जी नमस्कार। नमस्कार। आइए आइए। अरे इस साइड क्या देख रहे हो, मैडम लागे थारी, लाग जाओ लाइन में। अरे तारी चालो रे, पोजीशन ले लो भाई अपनी अपनी। सर जूता फट गया मेरा। रेस पूरी कर, इससे काम का कोनी पे जूता। कुकु कुकु माथुर चार मीनार। सर एडमिशन लेने का खतरा है भाई। सर वो भागते मेरा जूता। अरे सर भाई आर्ग्यूमेंट्स नहीं मांगा, जो बात पूछे उसका जवाब दे, नहीं होगा तेरा एडमिशन, भाग जाए यहाँ से। सर आप चाहोगे तो हो जाएगा सर। अरे क्या हो जाएगा, शक्ल देखी है, 12 बजे हुई है थोपड़े पे, एडमिशन ले होगा। एक काम कर, 5 का सिक्का जेब में डाल तब बाहर निकला कर। क्यों सर? अरे भाई आंधी वगैरह चलती है, कहीं उसमें उड़ ना जाए तू। अरे भाग जाए यहाँ से। सर अरे कहा है ना चला जाए यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आए थे दिमाग खराब करने। भाभी जी अगला किसको बुलाए? पाने, अरे पाने तो पी ले भाई, ले। हाँ भाई क्या हुआ? कुछ नहीं। बोलना, नहीं हुआ सिलेक्शन तो जॉब कर ले फिर, मुंह का लड़का रखा है सिलेक्शन नहीं हुआ तो जॉब करोगे? जॉब नौकरी नौकरी 500 लगेंगे। अरे 500 की तो बात है, नौकरी दिलवा रहा हूँ तेरे को, ऑफिस पड़ेगा नोएडा में, सोच ले। शॉट टू 10:36। साइलेंस। मूड आप फील कीजिए कि आपके दोस्त ने आपको बर्बाद कर दिया है। मैं यहां से नरेट करूंगा, वहां से आप रिएक्ट करेंगे। कैमरा एक्शन। अजीत मेरे दोस्त, थोड़ा ऊपर पकड़। तूने मेरे साथ हाथदारी की, मेरे साथ दोस्ती का नाटक करता रहा और मेरी पीठ के पीछे मेरी ही बीबी के साथ रंगरेलियां करता रहा तू। यार ने ही लूट लिया घर यार का, तेरे साथ दोस्ती का नाटक करता रहा, मैं तुझे जान से मार दूंगा। अबे ढंग से पकड़ना। पास ना बजेगी बांसुरी। डोली उठो डोली। क्या हुआ? मुझे तुम्हारे पवित्र होने की परीक्षा लेनी है। अजीत मेरा दोस्त था, अबे लेकिन अब उसको मरना होगा, वो भी तुम्हारी वजह से। लेकिन और अगर तुमने मना किया तो मैं तुमको भी मार दूंगा। नहीं अमित, ऐसा मत करो अमित, ऐसा मत बोलो अमित। तुम बेवफा हो। नहीं अमित, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। नहीं अमित, ऐसी कोई बात नहीं है। अबे ऐसे पकड़, ऐसे चोरी।
छोरी कंप्यूटर ऑन कर ले, इंटरनेट पे मन्ने धर ले के मेरी फोटो पे लाइक से हजार, ओ फेसबुक पे प्यार 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 मने ऐड कर ले यार यार यार। मेरी फोटो टैग कर ले के मेरी फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट है हजार, रे हजार। फेसबुक पे प्यार 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 मने ऐड कर ले यार यार यार, ओ फेसबुक पे प्यार 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 ओ ऐड कर ले यार यार यार, रे छोरी। अरे कुकू, अरे छोड़ ना ये सब, जा पानी लेके मेरे लिए। थोड़ा ठीक से। अरे जाना। छोरे हाँ। जी करे है तेरे गेल जी शेर कर लियो, फिर हो जाए ना कदे देर कर लियो। ओ बबली आई लव यू माय गॉड। सपनों में तन्ने मैं डाउनलोड कर लियो, तन्ने ही अपना मैं फ्रेंड कर लियो। बन जावेगी हाँ हिस्टरी यहाँ, डर मारा यो कदे शटडाउन हो बिना। ताली तो हामी भर ले कदे हो जावे ना तर ले, अरे यो मिट जाएगा सारा संसार, वो फेसबुक पे प्यार 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 तुझे ऐड किया यार यार यार। क्या देख रहा है, चल काम करने जाके तन्मा को लुटा जा। फिर के है विचार तुझे ऐड किया यार, तेरे प्रेम करूं यार। ठीक ना पकड़ना, क्या कर रहा है ये, नीचे बैठ। ओके थैंक यू। नीचे कर, क्या कर रहा है ये, हैं? काम नहीं करना आता तेरे को, क्या कर रहा है जब से? आपने तो बोला नीचे बैठ के करो। मैंने बताया, चुप रहे पहले। छोरी। वेरी गुड, वेरी गुड, अबे क्या कर रहा है ये? पैर पर ढंग से नहीं पकड़ा जाता। जरा। वेरी गुड। मेरी छतरी क्या करता तू? चल। कहाँ जा रहा है? कहाँ मर जाती है सब? अलमा लेके आओ। शर्मा जी ये देखिए पोस्टर, 1,56,000। बहुत बढ़िया। क्या है ये? हाँ देखो देखो, फिर हीरो की फोटो बड़ी और ये हमेशा। हाँ तो आप ना देखे तो मेरा नाम बदल देना। आधी तेरी आधी मेरी बराबर। तुम चुप रहो। थैंक यू। कैसी है? रहने दे जा। अच्छा। क्या है ये? चाय नहीं बनानी आती? कितनी चीनी डाली है इसमें? 1.5 चम्मच ही डाली जितनी बताई थी। सवा, मैं 1.25 चम्मच चीनी पीती हूँ ना कि 1.5। पूछना जरूरी नहीं, समझा तुमने? डेढ़ से थोड़ी सी कम, 1 से थोड़ी सी ज्यादा, 1.25 होती है, समझा? हाँ। पर मुझे 1.5 चम्मच। बकवास मत कर, चल। सॉरी बोल मैडम को। अरे बोल दे, सॉरी बोलने में क्या? अब सॉरी बोलने का इनविटेशन दूं तुम्हें? सॉरी। सॉरी के बच्चे, चल निकल यहाँ से। और हाँ, मेरी स्कूटी साफ कर देना, मुझे निकलना है। स्कूटी? अरे मैडम ने जो तुझसे कहा वो कर, निकल यहाँ से। क्या ही कर दे, स्कूटी तो साफ करनी और क्या है। जा 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 ना, चल निकल 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 यहाँ से, निकल। क्या हो क्या रहा है यहाँ, मजाक बन गया है? कैसे कैसे लोग रखे हुए हैं आपने? शर्मा जी ने बोला तो रख लिया, मैं तो पसंद भी नहीं करता इसको। एक बात बताओ, आप एक काम कीजिए, पहले मेरी फोटो के आसपास कुछ हार्ट्स लगवाइए, इसको हाईलाइट कीजिए अगर आप इसको बड़ा नहीं कर रहे हैं तो। बेबी रिलीज पर तुम्हारे होर्डिंग लगेंगे बड़े बड़े, बड़े बड़े होर्डिंग। देखे मैंने आपके होर्डिंग्स, मेरी फोटो शाइन करनी चाहिए। अरे शाइन तो हीरो ही करेगा। रहने दो, हीरो के नाम पे नहीं बिकती है फिल्में, हीरोइन दिखनी चाहिए। साला प्रेस वाला बना दिया मेरे को। शर्मा जी, इसके बाद का जो सीन है वो सीन हम रेगिस्तान में जाके शूट करेंगे। सीन कुछ ऐसे है कि दूर से हमारा हीरो घोड़े के ऊपर बैठा हुआ चला आ रहा है। कुकु। जी सर। मेरे साथ आ। मैं जो अभी बोल रहा हूँ ना वो सब लिखता जा। हमारा हीरो घोड़े के ऊपर बैठा हुआ चला आ रहा है, उसके लेफ्ट हाथ में घोड़े की लगाम और राइट हाथ में ढपली है। शर्मा जी ये वही ढपली है जो ऋषि कपूर के पास थी। सेम ढपली लिखो। अब इसी शॉट के अंदर मैं हीरोइन को रिवील करता हूँ और हाई स्पीड हीरोइन पलटती है और तभी तेज हवा चलती है। सन 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 सन, वो जो हमारा हीरो घोड़े पर बैठा हुआ ना उसके लंबे लंबे बाल लहराते। सर हीरो के लंबे बाल नहीं है सर। नहीं
लंबे नहीं है तो उसको कहो कल तक लंबे करे। ये क्या बात हुई? एक काम करो, कर्ली बालों के एक विग मंगवाओ, ऑप्शन वो नहीं तो ये। मैं अपने शॉट के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, समझे? जी सर। हमारा जो वो हीरो है वो ऊंट की पीठ से छलांग मार के जमीन पे आता है ढंग। हीरो तो सर घोड़े पे था ना सर। अरे तो क्या हुआ यार, ऑप्शन ऊंट का ऑप्शन घोड़ा, वो नहीं तो ये। जैसी बंसी बजती है पूरे रेगिस्तान में बिजली कड़कती है डड़े डड़े और बारिश होती है चंचल सर। रेगिस्तान में बारिश नहीं होती सर। अरे हवा तो चल सकती है, तूफान तो आ सकता है। हाँ तो लिखूं, पांच हेलीकॉप्टर पंखे लिखूं, हवा भी आएगी तूफान भी उठेगा, जो चाहोगे वो हो जाएगा। उसके पीछे जा, ये प्रॉपर्टी की लिस्ट है उसको जल्दी से। सर एक मिनट सर, सर ये लिस्ट सर। कौन? चाय। हाँ रख दो यहाँ। थैंक यू। अरे कुकू, चीनी कितनी डाली आज? सवा चम्मच ही डाली। सवा? तो इतना डर डर के क्यों बोल रहे हो? काटूंगी थोड़ी तुम्हें। नहीं वो पिछली बार आपने स्कूटी साफ कराई थी ना, हाँ? वो शक्कर की वजह से। तो इस बार यही सोच के कि क्या कराओगी, सवा चम्मच ही डाली मैंने। यू आर सो डम्ब कुकू। अरे स्कूटी तो तुम आज भी साफ करोगे बच्चू, करोगे ना? देखो कुकू, तुम प्लीज मुझे उन बाकी नखरे वाले हीरोइंस की तरह मत समझो। क्या है ना, मेरे चारों तरफ इतने मतलबी लोग भरे पड़े हैं, करना पड़ता है। मींस अब फर्स्ट मीटिंग में ही तो किसी से प्यार से बात नहीं करूंगी ना मैं, रोजी की इमेज का सवाल है। एनीवेज नाउ से हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू कुकू। अब बताओ क्या करोगे आज मेरे लिए? शॉपिंग चले, स्कूटी साफ कर ले, फिर चलते हैं। ओके आज रात का क्या प्लान है तेरा? रात का? रात का तो कुछ नहीं है। Then listen me, Ara, I need a favor from you, please. क्या favor? मैंने ना अपनी best friend को promise किया था कि मेरे birthday वाले दिन हम दोनों double date पर जाएंगे। I know senseless है, but she's my best friend ना यार। रोजी, double date मतलब? कुकू, देखो double date नहीं पता? आई कितना क्यूट है। डबल डेट बाबा, दो कपल्स एक डेट पे, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ और मैं मेरे। ओ, तो जाओ ना। किसके साथ जाऊं? कल रात को ब्रेकअप हो गया मेरा मेरे बिजनेसमैन बॉयफ्रेंड से। ओ शिट, कैसे? उसने मुझे रात को 12 बजे कॉल करके विश नहीं किया, सोच सकता है? वेरी बैड। इतनी देर में उसके फोन का वेट करती रही, बीच में कितने फोन आए, कोई नहीं उठाया, मैंने मम्मी पापा का भी नहीं उठाया, उसी के फोन का वेट करती रही। कुछ नहीं तो 20 मिनट वेट किया होगा। फाइनली इरिटेट होकर 12:20 पे मैंने उसको फोन किया, सोच सकता है हरामी दूसरे नंबर पे बिजी था, कॉल वेटिंग पे छोड़ दिया मेरे को। सोची प्या बदतमीज साला। You deserve better. तेरे को better मिलेगा। अरे यार वो तो जब मिलेगा तब मिलेगा ना, आज का क्या करूँ? अब मैं उसको अपनी बेस्ट फ्रेंड को लास्ट मिनट पे भी तो डिच नहीं कर सकती ना, सोचेगी ट्रीट के पैसे बचा रही हूँ। तो अभी क्या? अभी कुकू तू मेरा बिजनेसमैन बॉयफ्रेंड बन के चल ले ना प्लीज। ए प्लीज नहीं यार, सिर्फ सिर्फ आज की बात है, हम दोनों बस डिनर पे जाएंगे, तू मेरा बिजनेसमैन बॉयफ्रेंड बन के। वैसे भी अपने आप को देख, इतना हैंडसम, एकदम बिजनेसमैन लगता है, कुछ शक नहीं होएगा उसको, और वैसे भी वो मेरे बाकी सारे दोस्तों को पहचानती है। प्लीज चल ले, कुछ नहीं होएगा, आई प्रॉमिस। बस कुछ भी बोलेंगे तेरे टेक्सटाइल का बिजनेस है, बस इतना करके निकल आएंगे, चलेगा ना? नहीं रेस्टोरेंट का बिजनेस बोलेंगे, ठीक है? रेस्टोरेंट बोल लियो यार, कौन सा बोलने से खुल जाएगा, चलेगा ना? हाँ, शाबाश भैया, आप ये पैक कर दो, ये ले रही हूँ मेरा बर्थडे के। छोड़ ना, लेके दे। चल ना कुकू, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ साथ में, जस्ट बी कॉन्फिडेंट। के लिए मैं 7 साल तक एक ही ट्यूशन सेंटर में घिसता रहा क्योंकि वो सामने रहती थी, आज फाइनली मैं उसके सामने था, एकदम फेस टू फेस। लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड बनके, वो भी एक रात का।
कुकु माथुर, इससे बड़ी झंड तेरी लाइफ में कभी नहीं हो सकती थी, ऐसा मैंने सोचा था। कुकु ते को पता है मिताली और मैं ना 2:30 बजे वाले फ्रेंड हैं, हम लोग रोज रात को 2:30 बजे ही फोन पे बातें करते हैं। शायद एक भी दिन नहीं मिस किया होगा ना हमने। टू मच। और मेरे कुकु का ना अपना रेस्टोरेंट का बिजनेस है, इतना अच्छा खाना बनता है वहाँ पे। ए बता ना, मेरा डम्बो थोड़ा शाय है छोड़। और ये देख आज उसने मेरे को लेके दिया बर्थडे के लिए हार्ट वाली रिंग। हैप्पी बर्थडे एवरीवन। फाइनली ओ गुलाबो, तेरे लिए ढूंढ के स्पेशल गुलाबी केक लेके आया हूँ। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मिताली बाई गॉड, एकदम टाइटैनिक की हीरोइन। अरे उसे छोड़ो, वो तो रोज मिलती है, इससे मिलो, मेरा बॉयफ्रेंड है कुकू। अभी अभी मैं मिताली को बता रही थी इसका इतना अच्छा रेस्टोरेंट है, इसे हम सब साथ में चलेंगे एक दिन। हाँ कुकू रेस्टोरेंट, आप जानते हो कुकू को? मिताली वैसे ना गुलाबो का इनोसेंट बड़ा तगड़ा है। हाँ? या तो ये इसको बेवकूफ बना रहा है या ये हमें बेवकूफ बना रही है। क्या बोल रहे हो? वैसे वो तुम्हारा पर्सनल मैटर है, पर मैं इतना बता दूं, ये बहुत बड़ा कंगला है। वो मेरा भाई नहीं है, रॉनी। और रॉनी एक क्लास में है, ये अभी तो 12वीं पास करी है इन्होंने। इतना बड़ा कंजर है, मेरे भाई के पैसों की तो छुप छुप के फ्रूट बियर पीता है ये। और रेस्टोरेंट का बिजनेस, और रेस्टोरेंट बिजनेस का भी नहीं पता इसको। इसके पापा LTC में काम करते हैं, फ्लैटों में रहता है। ये डबल डेट नहीं, ये डबल झंड थी। मेरे अंदर से एक ऐसी पंचलाइन आने वाली थी कि मैं इन तीनों को चुप करा देता, लेकिन आई नहीं। कुकू तेरे ना कंटे बड़े तिगड़म ही होते आ रहे हैं बेटा। रैपट मारूंगा लड़कियों को, झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे बैठ के। बोल नहीं होले तो यहाँ से, कभी कभी तो कपड़े ले जाता है मेरे भाई के। टी शर्ट किसकी है ये? मेरी टी शर्ट है। यार ये इतना बड़ा झूठा निकला, मिताली मेरे बर्थडे वाले दिन इतना झूठ बोल गया यार। ये तो हो गए 110। यार कैसी बात कर रहा है, तू कल हुए थे 110, अभी अभी 115 गिरे मैंने अभी अभी। यार की दारू पीता हूँ मैं, रोनी से क्या काम पड़ गया इतनी रात गए? कुछ नहीं दादाजी, वो उसे कुछ वापस करना था। भाई रोनी तो कैलेंडर बांटने गया, ला मुझे दे, मैं दे दूंगा। नहीं नहीं चलेगा, मैं खुद वापस कर लूंगा उसे। ओए इसमें क्या है? ओए बियर है। कुछ नहीं है दादाजी। बियर है दादाजी, ये तो है बियर है। नहीं नहीं बियर नहीं है, फ्रूट बियर है। और देख, लाओ अभी पता चल जाएगा कुछ फ्रूट है क्या है। छोड़, ओ लो जी लो, बियर ही है। अरे फ्रूट बियर है, चेक कर ले ढंग से। ओ शराब पीता है तू? अरे ओ शराबी है तू? ओ तू हमारे रोनी को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। क्या बात कर रहे हो दादाजी, शराब वराब नहीं पीता मैं, ये रोनी ने मंगाई थी। बोल रहा है वो, झूठ बोल रहा है। अरे रोनी को मंगाएगा, बेवकूफ समझता है। ऐसा कसून मारूंगा बुत्ते का नक्शा बदल जाएगा। इतने छितर पड़ेंगे, इतने छितर पड़ेंगे, घर का पता भूल जाएगा, अपने और अपने पियो का नाम भूल जाएगा। वैसे पियो का नाम क्या है तेरे, रहता कहाँ है वो? दादाजी ये माथुर का बेटा है, वो खटारा स्कूटर नहीं जिसका, वो देखो बाहर खड़ा है। माथुर? हाँ? वो कौन माथुर? ओ वही जिसकी बीवी नहीं मर गई थी इलेक्ट्रिक शॉक। हाँ? से अरे वो 40 गज के मकान में रहते पीछे वाले के पास। ओए फालतू बोलना। ओए होए, वो 40 गज वाले। हाँ, नाले के पास जो है। ओए तू अपने 40 गज में रहना, यहाँ क्यों खे खाने आया है? वो सच कहती है, माँ नहीं रही तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। वो ऐसे लोगों को तो बहाना चाहिए गंदे काम करने का। और तो शर्म आया है कि नहीं कि हम आम दस्ते में कोट के पी गया? माँ बाप ने क्या यही सिखाया तुझे? आप मेरे मम्मी पापा पे क्यों जा रहे हो? अपनी औकात में रहो आप। एक तो रोनी के दादाजी वरना गाने के लिए मेरे को भी आते हैं। कैसे बात कर रहा है तू दादाजी से, पागल हो गया? ओए तुझे कुछ नहीं पता, इतनी देर से मेरे ऊपर चढ़े हुए लोग। ओए दादाजी इसके हाथ में शराब की बोतलें देख ली, तब से उल्टा चुका छोड़ रहा दादाजी को। देख ले ऐसे दोस्त तेरे। ओए रोनी इतनी देर से, ओए आंख नीचे कर अपनी। माफी मांग दादाजी से। मैं क्यों माफी मांगू, इतनी देर से ये लोग बोल रहे तो इन्हें माफी मांगनी चाहिए ना। तुम गुलाटियों ने एक की दो दुकान कर ली, तो जो तुम कहोगे वो सही है, और मैं माथुर में बस कुछ नहीं तो मैं गलत। अगले वाली बकवास की जा रहे, दिमाग खराब हो गया तेरा? दादाजी से माफी मांग लिया वरना आज कांड हो जाएगा यहाँ पे हमारे बीच। कहाँ हो जाएगा बेटा, बदल गया तू, सबको देख लूंगा मैं, देख लूंगा तेरे को मैं। ओए चपा हो यहाँ से, चले लो क्या जल्दी आ जाओ, खबरदार जो तुम्हारा यहाँ आया। रोनी, रोनी।
रानी रानी हर जगह रानी, तंग आ गए उस रानी से। साला स्कूल में कहता था किसी को बताना मत, साड़ियों की दुकानें मजाक उड़ाएंगे। आज ब्लाउज पेटीकोट बेच बेच के मिसेस मैर बन गया। रानी मैजिक सेंटर, रानी मैजिक सेंटर नहीं, मिस मैच है तू। मिताली वेट की है, सब गुलाटी हो गए। इन गुलाटियों की मैंने माँ बहन इग्री कर दी ना तो मेरा नाम बदल देना। What happened, angry young man? ये मेरे प्रभाकर भैया, फर्स्ट कजन फ्रॉम कानपुर। ऑलवेज है ना, राइट प्लेस राइट टाइम। प्रभाकर भैया नमस्ते, आओ आओ इधर आओ। काहे आइटम बम बने घूम रहे हो? हाँ क्या समस्या है हमको बताओ, हम समाधान करेंगे। बैठो बैठो। अबे हम पूरी दुनिया के सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, बताओ हमको क्या हुआ? जॉब में कोई प्रॉब्लम क्या हुआ भैया? ये जॉब है कि पनिशमेंट मुझे समझ नहीं आता। हमको पता था, साला पूरा दिन इधर से उधर घुमाते रहते हैं। और वो डायरेक्टर अपने आप को हॉलीवुड का डायरेक्टर समझता है। अगर रेगिस्तान में बारिश नहीं हो सकती तो इसमें मेरी क्या गलती है बताओ? हीरो के बाल लंबे नहीं हो रहे एक दिन में, मैं क्या करूं? अच्छा एक चीज बताइए, हीरोइन सवा चम्मच चीनी की जगह डेढ़ चम्मच चीनी की चाय पी लेगी तो इसमें क्या फटेगी? और वो हीरो अपने आप को बॉलीवुड का सुपरस्टार समझता है। अरे बस 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 यार, मेरी तो रेडी मार दी इन लोगों ने। नहीं ऐसे नहीं बोलते हैं, बस ठीक है। रेस्टोरेंट खोलना था मैंने। खुल जाएगा रेस्टोरेंट, खुल जाएगा। चाय बनवाते हैं, स्कूटी धुलवाते हैं मेरे से। अरे हो जाएगा ठीक है सब, बोल रहे समय के साथ ठीक हो जाएगा सब कुछ। चलो छोड़ो ये सब। ये बताओ ये कौन है, रोनी कौन है? जब किसी के पेट में दर्द होता है ना तो जो सामने होता है वो डॉक्टर बन जाता है। मैंने भी प्रभाकर भैया को डॉक्टर मान लिया और उनको सारी बात बता दी। पता है प्रभाकर भैया ने मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या निकाली? तो बेसिकली तुम्हारी गुलाटी एंड सन्स ने कर दी है झंड। भैया मेरी झंड? हाँ 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 हाँ। अबे झंड बहुत पुरानी बीमारी है, हमें भी हो चुकी है। हमारे बचपन का एक दोस्त था बिंदु, और हमारे बचपन का एक प्यार भी था सुनैना। हमने सपने ही में उससे मोहब्बत और फैमिली प्लानिंग कर ली थी, लेकिन हमारे बेस्ट फ्रेंड ने एक सस्ती चाल चलकर सुनैना को हथिया लिया। सुनैना उसकी हो गई। वो क्या हुआ भैया? होना क्या था, जो भी हुआ वो प्रभु ने ही किया। स्वयं वो पंडित इंग्लिश पियोगे? करना क्या होगा प्रभाकर भैया, इस बच्चे पर बुरी शक्तियां मंडरा रही हैं। क्या? इसका एक ही इलाज है। क्या क्या इलाज है गुरुजी? आप बस बोल दो, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आप तो कुछ बोलो ना। इसका नाम बदलना होगा, आज से इसका नाम होगा प्रभाकर। प्रभाकर बेबी, दूध फिनिश करो। I love you प्रभाकर। प्रभाकर चड्डी पहन लो, नंगे क्यों घूम रहे हो? प्रभाकर दीनानाथ शुक्ला पूरा नाम। और मैंने उसी टाइम प्रभाकर भैया को अपना गॉडफादर बना लिया। अब ऐसे मुंह लटकाने से तो राम मिल नहीं जाएंगे। उसने आप ही की बेइज्जती नहीं करी, हमारी भी करी है। आप हमारे भाई हैं। हाँ माँ का समय ऐसा लग रहा है जैसे मुंह पे थूक के चला गया। अभी कानपुर में होता ना तो कान के नीचे कट्टा लगा के ना काम 35 करते थे, दोनों गुलाटी होगा टप्पा पन। भैया मेरा तो मन करता है यहाँ से भाग जाऊं। अरे तुम मत भागो, भगा लो उसकी गर्लफ्रेंड को। गर्लफ्रेंड नहीं है उसकी, तो बहन तो होगी। मेरी बहन जैसी है भैया वो, तो हम भगा लेंगे हैं? उसमें क्या है, इमोशनल हो जाते हो। तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो उसके बिजनेस है ना, तो ऐसा करो इनकम टैक्स की रेट गिरवा दो साले की दुकान पे। उससे क्या फायदा, सारा माल तो उनका गोडाउन में रहता है। तो गोडाउन में लगवा दो आग, समझे? बेटा कुक्कू तुम्हारे आया कुछ समझ में? नहीं आया ना,
तो सुनो, गोदाम में आग लगा के सब कुछ जला के वहां से सारा माल निकाल के ले जाके बेच देंगे मस्कनवा में, और जो वहां से मिलेगा रोकड़ा उससे खुलेगा तुम्हारा रेस्टोरेंट। गुदगुदी होने लग गई से। रेस्टोरेंट कोई और तरीका नहीं है? अबे हम तुमको डायरेक्ट सिंहासन पर बिठा रहे हैं और तुम तुले हुए कि नहीं भैया हम तो बनवास काटेंगे, हाथ छोड़ दो हमारा, मत पकड़ो हमको, जाने दो। मतलब क्या, हर बात का मतलब समझाने पड़ा क्या? अबे बिजनेसमैन बनना है कि नहीं बनना है? बनना है। रावनी की लंका लगानी कि नहीं लगानी है? लगानी है। रेस्टोरेंट खोलना है कि नहीं खोलना है? खोलना है। उनसे बड़ा बोर्ड लटकाना है कि नहीं लटकाना है? बनना है, लगानी है, खोलना है, लटकाना है। बहुत अच्छे। पर ये होगा कैसे भैया, कब होगा ये? जय माता दी। प्यार से बोलो जय माता दी। बोल जोर से जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। ओ भैया इंग्लिश पियोगे? ये मेरे कजन, कुछ मदद चाहिए थी। का कुकु भैया, आपके कजन हमारे भी कजिन ही हुए ना, अब एक भाई दूसरे भाई की मदद नहीं करेगा क्या? बताइए ना क्या काम है। हाँ तो काम ये था। अच्छा भैया कानपुर से आज ही आए? नहीं कल आए थे। कल आए? अरे काम की बात। और घर कहाँ पड़ा आपका कानपुर में? दक्षिण में है कहीं पर। दक्षिण में कहाँ? कानपुर जानते हो? घूमे हैं बहुत। जगरगट्टी पुलिया याद है? जगरगट्टी पुलिया। हाँ हाँ, उसके नीचे से बाएं मुड़ोगे आनंद विहार की तरफ। हाँ हाँ, दाहिने आते पहला मकान है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ भाई। अरे भैया वो हमारे एक पटीदार है, उनकी ससुरारी है, तो बहुत गए हैं वहाँ, मतलब बहुत क्लोज के हैं भैया आप, बहुत खुशी की बात है। हो गया? हाँ ये हो गया। काम की बात कर लें? हाँ वो खुशी में हम भूल ही गए काम की बात। तो क्या है कि जागरण वाली रात में पूरा मोहल्ला वहीं होगा। हाँ अभी स्वाभाविक बात है, गुलाटी का परिवार भी सब वहीं होगा। चुप हो गए? हाँ वही है। तुम कहाँ होगे? हम तो गोदाम पे रहते हैं ना। गोदाम? बस करना कुछ नहीं है, हम दोनों वहाँ पे रात आएंगे। अच्छा। दरवाजा खटखटाएंगे, खोल देना जरा सा, अंदर चले जाएंगे, अंदर का जितना माल है बाहर निकाल के ट्रक में लाद देंगे। क्या बात है। फिर जाएंगे तीनों अंदर। फिर से? हाँ, आग लगा देंगे गोदाम में। इतना ही काम? बस इतना ही। तो समझो भैया हो गया, एक गिलासवा दीजिए ना। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हिला लो थोड़ा सा, ऐसे करके हिला लो। गोदाम में आग लगाना है। आग लगाना है गोदाम में? अरे हम नहीं करेंगे ये। क्यों बे? से काहे कर रहे हैं? बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं कोई जबरदस्ती नहीं करिएगा, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते आप। बैठ जाओ, बोल रहे नहीं करेंगे। जबरदस्ती बैठ जाओ, बैठ जाओ, शोर मत मचाओ। आग तो सुनो, अभी तो बड़ी रिश्तेदारी किताब खोले बैठे हैं। भैया 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 जरा काम बोलिए तो भागे चले जा रहे हैं ऐसे। हम जबस्ती कर रहे हैं तुमसे? वो बात नहीं है भैया। ऐसी बात क्या नहीं, चुपचाप सुनो। हम तुमसे ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लंका की चाबी थी ना विभीषण के पास थी, और तुम हमारे विभीषण, और विभीषण ने कौन सा स्वार्थ के लिए कुछ किया था? कुछ किया था? किया था क्या? ना। किया था? नहीं किया था ना। फिर फायदा हुआ था ना उसको, 15-20 लाख रुपए माल है गोदाम के अंदर। क्या सोच क्या रहे हो? अबे हम तुम्हें स्वयं यहाँ पे बीसड़ों गद्दी बिठाए चले जा रहे हैं, हैं? और तुम्हारे दिमाग में कचरा भरा है क्या? कचरा भरा तुम्हारे दिमाग में, थूक दो, थूक दो। हाँ थूक दो। हाँ लाइट फील हो रहा है थोड़ा सा? थोड़ा सा। इधर आओ, देखो कब से देख रहा है, इधर उधर घूम रहा है, तुम्हारे भैया बुला नहीं रहे, बुला ही नहीं रहे, तुम बुला ही नहीं रहे। ये इधर
बस बस भैया बहुत है। आज रात से हम जो हैं पार्टनर। पार्टनर। चीयर्स। 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 ओए टीटू, ओए ढोलक का साउंड बड़ा। ओए टी, हाँ, टिंकू का बज रहा है क्या? किधर ले किधर? उठे मैं ठीक है ना? ठीक है। ओए ओ माता वेलकम करिए। ओए दिल विच आस लगा के ओ मैया सब दी इच्छा पूरी कर दी असी वेलकम 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 कर दे जाइए। आपके सामने पेश करने जा रही है, इसमें छुपा है एक मौका। आपको सिर्फ ये बताना है कि लाली ने इस भेंट में कितनी बार वेलकम शब्द का प्रयोग किया है। जो सही जवाब देगा उसको मिलेगा माता रानी के दरबार का खजाना। भक्तजन हाथ ऊपर करेंगे, पापी हाथ नहीं उठाएंगे। जय हो। रीजन तेरा वेलकम करने की मुझको दे माँ परमिशन तेरा वेलकम वेलकम मैया वेलकम मैया वेलकम मैया वेलकम मैया वेलकम मैया वेलकम मैया। सब मिलके बोले वेलकम, सब दिल से बोले वेलकम, करते हैं धूमधाम से हम होले होले वेलकम वेलकम मैया वेलकम मैया वेलकम मैया। क्या नाम है इनका? ओ पी त्यागी। रामायण सीरियल में जिन्होंने जटायु का रोल अदा किया था, ओ पी त्यागी। माता पधार रही है, अरे देख लो ये नजारा दोबारा नहीं मिलेगा। त्यागी वहाँ जटायु बने थे, यहाँ बब्बर शेर है। मैया रानी के, मैया रानी के दरबार जाऊंगी। बोलो वन टू थ्री। माँ पुकारेगी, माँ पुकारेगी हर बार जाऊंगी। बोलो वन टू थ्री। मैया रानी के, मैया रानी के दरबार जाऊंगी। बोलो वन टू थ्री। बोलो वन टू थ्री। बोलो वन
मैंने बार बार होली मैंने है मन की ये खिड़की खोला तूने ये दिल का कमल का पार्टनर लाली लाली कहे ओ माँ सुन ले मेरे सर पे है दुनिया सवार तुझे वेलकम करूँ अपने घर में कहना हूँ मैं रोज इसके हार हो भैया के संग में हो भैया के संग में फोटो खिंचाऊंगी 1, 2, 3, 5,000 की 5,000 की जुनरी चढ़ाऊंगी बोलो 1, 2, 3 सोला शुक्र जगराता करूंगी सोला श्रृंगार माँ के सजाऊंगी नंगे पैरों से दौड़ी चली जाऊंगी बोलो 1, 2, 3 बस नहीं जाऊंगी ट्रेन से नहीं जाऊंगी फ्लाइट से नहीं जाऊंगी मारुति से ना जाऊंगी मेट्रो से ना जाऊंगी ऑटो से ना जाऊं तेरी ममता पुकारेगी मैं शर्मे चली आऊंगी नंगे पैरों से दौड़ी चली जाऊंगी बोलो 1, 2, 3 सारे धोते उड़ गए तेरे प्रादे करते सारे खोते बिक गए I don't know why you wanna do me like that खाया धोखा day and night तेरी लग गई चैट ना रोया ना तू ना चीता मैं सब हैं पकड़े मैं धोते उड़ गए खोते बिक गए हो गए 1, 2, 3 राम नाम पे चल गए लंका इंश्योरेंस भी न की युग कई शतरंज बिहारी साड़ी द्रौपदी नाम पे चल गई लंका It wasn't the LTTE 1, 2, 3 Check it out, yeah 1, 2, 3 Check it out, check it out, check it out, yeah 1, 2, 3 Check it out, check it out, check it out, yeah 1, 2, 3 Your time has come 1, 2, 3 Game over बोल साजे दरबार की जय कहाँ है भैया कुरियर है कहाँ से दिल्ली से यहाँ साइन कर दीजिए दस्तखत दस्तखत साइन भेजते हैं बढ़िया रंग है यही तो रखे थे सारा दिन मोबाइल गले में लटकाई रहती है घुस का ही नहीं जाता ए सुरेश हाँ बाहर में हरारू फुनिया रही है हेलो हेलो नीला नीला का पहिना का पहिना अरे हाँ करोगी कुछ बोलोगी भी आप तो बताए भी नहीं
हम बताते नहीं है, पता है ना, कर देते हैं। कैसी लग रही हो? आए? हम का बताएं? खुद ही देख लो। सामने होती ना तुम हमारे, सच्ची कह रहे हैं, बताते नहीं कर देते। पप, बदमाश। बदमाशी की क्या बात है? शादी की है, मजाक की है तुमसे। हेलो 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 हमरा गेम ओ भर ए बंद करो उसको, बंद करो, बंद करो, फोन निकालो, राउंडिंग मैसेज टाइप करो, करो करो करो। माय डियर फ्रेंड, सॉरी टू हियर गो डाउन बर्निंग, आई एम आउटडोर वर्किंग शूटिंग, कमिंग बैक इन टू डेज देन कॉलिंग योर फ्रेंड, आई लव यू। लिख दो अभी, रखो जेब में इसको, ध्यान से बात सुनो। प्लानिंग वैनिंग हो गई सब? प्लानिंग व्लानिंग सब हो गई भैया। कैसे मिल गया? जगह लोकेशन ही सब मिल गया? वो सब तो नहीं किया। सब तो नहीं, तुम्हारा ना बहुत मुश्किल लग रहा है हमको। ऐसा करो तुम पैसा हमको दे दो, हम कहीं पे इन्वेस्ट करवा देते, ठीक है? दुगना रिटर्न आके मिलेगा अपने को, और तब तक तुम्हारा प्लानिंग हो ही जाएगा। भैया प्लानिंग सारी हो चुकी है, इनॉग्रेशन पे रेवन में आपसे ही कटवाऊंगा। इमोशनल कर देते हैं। काटने वाटने के लिए तो हम हमेशा तैयार रहते हैं लोग, खचाक। वही बात होगी ना भैया, बंदर की अम्मा कब तक खैर बनाएगी। जिस संदर्भ में हम इतनी देर से बातें कर रहे हैं उसका इससे क्या लेने देना है? मैं हमको बता, कुछ लेने देना है इससे? कौन है बंदर अम्मा, कौन है खैर, कौन है, कौन है? मुहावरा है भैया, मुहावरा हमको बता, गंवार समझ हमको। भैया कॉन्टेक्स्ट में फिट हो रहा था। कॉन्टेक्स्ट जीत चुके हो तुम भैया, एक्चुअली ना इतना सारा पैसा मिला था, कितना कॉन्टेस्ट जीतोगे? और तुम्हारा हमको बहुत मुश्किल लग रहा है, अब हमारी बात सुनो, और सुनो नहीं लिखो, और तुम्हारा रेस्टोरेंट जो है अपने आप मैजिक से बनेगा, देखो ऐसे। 3 2 ये के अंदर कोई वेटर वेटर नहीं चाहिए अपने। अच्छा चाहिए क्या? वेटरनिया। ओ वेटरनिया। ए भाई टिकोना पार्क किधर पड़ेगा? किधर? टिकोना पार्क। टिकोना पार्क? हाँ हमें नहीं पता भैया, नए आए हुए हैं। दादाजी कहते थे जहाँ से रिटर्न न मिले वहाँ टाइम ना वेस्ट करो। बहुत सही कहते थे गुरु, बहुत सही जा रहे हो तुम। अभी आगे आगे देखो होता क्या। अब कोई नया नया बिजनेसमैन बनता है तो कॉन्फिडेंस तो हाई होता ही है ना, तो वैसे मेरा भी था। नमस्ते आंटी। नमस्ते, कैसे? नमस्ते। अपनी गाड़ी में छोड़ दूं? नो थैंक यू, हमें नहीं जाना। नहीं नहीं चलते हैं ना। थैंक यू बेटा, आओ ना, छोड़ देगा। अच्छा मम्मी क्या कर रहे हो? अरे नहीं मम्मी हमें नहीं जाना। बैठो, छोड़ देगा ना। अरे चले आगे से लेफ्ट और फिर सिग्नल से राइट, गोल चक्कर से लेफ्ट, राइट से तीसरी गली, पांचवा मकान, पता है मुझे। इतना स्मार्ट है ना? कैसे पता ये सब? सीमा दीदी ट्यूशन सेंटर आपके घर के सामने, पढ़ता था मैं वहाँ। बेटा तुम किसी सब्जी मंडी में काम करते हो क्या? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, इनका तो वो क्या है ना, वो रेस्टोरेंट का बिजनेस तो है ना आंटी। वो जो DDR है ना उसके साइड में मिठाई वाला, वो जो खंडर है ना उसी को रेनोवेट करवा के मैंने। मेनू कार्ड तो दिखाओ ना भैया, यही कहीं होगा। रहने दो, हमें नहीं देखना कोई मेनू शेनू। क्या मम्मी जी आप भी देखो आंटी, अभी घर जाके भी आपने खाना ही बनाना है। हमारे रेस्टोरेंट चलो, आपको अच्छा सा खाना खिलाते हैं और आपका ही पॉइंट प्रूव हो जाएगा, ठीक है? बेटा तुम्हारे रेस्टोरेंट में राजमा चावल मिलते हैं क्या? क्या कर रही हो मम्मी? मिलेगा ना आंटी, चलो ना खा के चलेंगे घर लंच करके। Ooh.
की बनी ताले के लिए, दस्ताने सर्दी के लिए, बिस्किट चाय में डुबोने के लिए, और तू है मेरे लिए गाने बने गुनगुनाने के लिए, कैंटीन बनी उधार के लिए, नेता पैसे बनाने के लिए, और तू बनी है मेरे लिए, तू 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 मेरे मेरे लिए है, हाँ मेरे लिए है, तू 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 मेरे मेरे लिए है, हाँ मेरे लिए है, मैं और तू एक दूजे के लिए बने हैं, और हा 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 अच्छा है, पापा ड्राई है। अच्छा जी, खुद का रेस्टोरेंट है तो बाहर वाला खाना पसंद नहीं आता अब। वैसे कुकू, ये कुकू नाम थोड़ा फनी नहीं है? कुकू। तुम्हारी फैमिली में कोई फनी नाम नहीं है क्या? नहीं, मेरी फैमिली में तो एक भी नाम फनी नहीं है। अरे वाह, ये बैठा दो हंसों का जोड़ा। अरे यार तुम लोग प्लीज, बागी परिंदे। क्यों रे मिताली, बड़ी चालू चीज निकली यार। कल तक हिमांशु के साथ बाइक पे लिपटी हुई थी, आज इस कुकू के साथ गाड़ी में गेड़ी मार रही है। वाह, गाड़ी देखते ही मेरा बॉयफ्रेंड चुरा लिया, और तू लिफ्ट देके पटाया ना इसको। यार ये भी बड़ी चेप टाइप की बंदी है, गोल्ड डिगर कहीं की। रोजी क्या है, जस्ट शट अप। ओके शट अप। शट अप कब, क्यों, कैसे, कहां, व्हाई शट अप, अरे शट अप क्यों हो रहा भाई यार। ओए शट अप की बच्ची, ज्यादा मत बन, पूरी कॉलोनी को तेरी असलियत पता है। ओ रोजी यार तुम लोग यहां ना, अरे कुल्ले टिका दे बावड़ी पूंछ। क्यों रे मिताली, समझती क्या है तो इस कुकू को, चाय पिलाता था हमारे प्रोडक्शन हाउस में, थर्मोकॉल पकड़े रहता था, स्कूटी साफ करता था, झुक झुक के चलता था, ये ले लो वो ले लो यहाँ से। अबे ओ अंगूर पे लंगूर निकल, ऐसे चल चल। हृतिक रोशन, पिक्चर में एक ही रोता है और इस पिक्चर का हीरो हूँ मैं, समझी। तू और हीरो, कभी शक्ल देखी अपनी आईने में? ओए बताओ इसके बॉयफ्रेंड के किससे? बॉयफ्रेंड, हाँ हम कॉफी पीने आए थे, हमें कॉफी पीनी नहीं है, हमें चल लेके जा यार इसे निकले, हमें इस मैटर में बात ही नहीं करनी है, हम लोग जा रहे हैं, हम लोग डिसेंट लोग हैं। अरे हम क्यों जाएंगे यहां से, दो कौड़ी के चाय वाले ने कुछ भी बोल दिया तो हम क्यों जाएंगे यहां से। चाय वाला क्यों बोल रहा है बे, अबे हट ना, इसके बॉयफ्रेंड यार बताओ साले, तेरे बॉयफ्रेंड। अरे तू चल जा, स्कूटी तो खरीद ले, हरियाणवी एक्टर। और तू तू गे निकला साले, साले जन्नत की चिड़िया तो मेरे सामने। मैंने कुछ बोला निकल यहां से, मैंने कुछ बोला, मैंने कुछ भी नहीं बोला, लेट्स एंजॉय। चूरनलाल, मेरे चाचा का नाम गिनी अंकल, मेरे मामा का नाम, और पता है मेरी मौसी का नाम क्या है? क्या? पॉली। मिट्टू। क्या? मेरा नाम मिट्टू। बातें बची बहुत बताने के लिए, जिंदगी तेरे संग बिताने के लिए, इशारा ही काफी समझाने के लिए, के तू बनी है मेरे लिए, तू 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 मेरे मेरे लिए है, हाँ मेरे लिए है, तू 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 मेरे मेरे लिए है, हाँ मेरे लिए है, मैं और तू एक तुझे के लिए बने हैं। और क्या है
क्या यार कुकू, एक महीने से तुझे फोन कर रहा हूँ, तू फोन भी नहीं उठाता, फोन भी काट देता है। बोलो यार, एक महीने से तो तू काम पर नहीं आ रहा है, बोल दो यार। और नौकरी छोड़ दी है तो कंपनी का माल तो वापस करना चाहिए ना। देखो यार, उनकी तबीयत खराब थी यार, इसलिए नहीं आ पाया। पापा की तबीयत खराब थी ना, तुम्हारी तो ठीक थी ना। भाई थोड़ा धीरे बोल, और मैं कल पक्का ला के दे दूंगा, अभी जा प्लीज। ठीक है, अभी तो जाता हूँ, याद रखना। लेकिन पक्का भाई। बेटे तुम काम पे नहीं जाते तो फिर जाते कहाँ हो? वो पापा वो इन सब के लिए पैसे कहाँ से आए? अरे वो क्या है ना मामा जी, कि देखिए आप तो जानते होंगे कि देखिए हर शहंशाह के पीछे रानी होती है, उसी तरह से हर बिजनेस के पीछे एक ही कहानी होती है मामा जी। कहानी के टाइटल है स्पॉन्सर, मिल गया है, नहीं समझे आप, टोकड़ा मिल गया है मामा जी। तो फिर मुझसे छुपाया क्यों, कौन है स्पॉन्सर? मिलवा देते हैं आपको। हाय जी, नमस्ते। जॉर्जुआ बोले हैं? जॉर्जुआ जॉर्ज बुसवाऊ, अमेरिका वाले। अच्छा, का बोले हैं सर? बिजनेस का दो चीज है, कैपिटल और रिटर्न। लेकिन का है, रिटर्न जो है वो कैपिटल से नहीं आता है, रिटर्न आता है टैलेंट से। इसने हमको एक दिन खिलाया, का खिलाया, रसगुल्ला, आलू, आलू का रसगुल्ला, आलू का रसगुल्ला सर। सोचिए, आलू का रसगुल्ला खिलाया इसने सर। हम तभी डिसाइड कर लिए कि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इस टैलेंट पर। थैंक यू वेरी मच। आप थर्ड पर्सन होकर भी आपने मेरे बेटे के हुनर को पहचान लिया, थैंक यू। अरे सर, हम तो यही सोचते थे कि हमारा बेटा वैज्ञानिक बनकर नासा नहीं गया तो अपनी जिंदगी की परीक्षा में भी फेल हो गया। सर, मैं आजकल टेंशन में चल रहा हूँ। का है? क्योंकि हमारी कंपनी प्राइवेटाइज हो रही है ना। अरे अरे, पर कुकु सॉरी बेटा, हमने तुम्हें सपोर्ट नहीं किया बेटा। अरे मामा जी, बस मामा जी, ठीक है। फिर से पढ़ रही हो? स्कूल में हमारा नंबर लल्लन टाप आते थे। पूछो कैसे? रोनी? ओ फिर किदा भाई, किदा क्या हाल चाल है? साले बड़ा आदमी हो गया तू, है रेस्टोरेंट डाल लिया इतना बड़ा, भाई को नहीं बुलाया तूने? भाई वो कॉल करने वाला था। ओ गोली, इट हैपेंस यार, होता है, आई कैन अंडरस्टैंड यार। ओ यार, ये सारे वर्कर तेरे अंडर काम करते हैं? सही है भाई। ओए तेरे को भी याद है कल्पमारवा मैडम, 7th क्लास में? हाँ हाँ। तेरी रिपोर्ट कार्ड में लिखती थी कुकु माथुर कैन डू बेटर, कुकु माथुर कैन डू बेटर। ओ मुझे तो समझ में नहीं आता था, आज समझ आया उसका मतलब। प्रूव कर दिया भाई, कुकु माथुर कैन एक्चुअली डू बेटर यार। हमने क्या किया, दादे की साड़ियों की दुकान है, हमें ब्लाउज बेचने बिठा दिया, गुलाटी सन्स हो गया, गुलाटी सन्स एंड ग्रैंड सन्स। सही तो है। ओ सही क्या है यार, असली कट्स तो मेरे पाई में है। आई एम प्राउड ऑफ यू यार। ओ यार चहल पहल है। ओए गिफ्ट लाया यार तेरे लिए, खोल तो सही। क्या है? ओ खोल खोल देख, है यादें ताजा होंगी तेरी। फ्रूट बियर। ओ फिर ओए एसी डीसी है, ओ ठंडी हवा मारता है। बस यार, उस पे पैसे किसने लगाए हैं? वो पापा ने लोन लिया था। सही है। तू अपना बताना, तेरा कैसे चल रहा है? बस यार चल रहा है।
और यार चक्राते वाली रात को दाम में आग लग गई थी, तुझे तो पता ही है। 15 लाख का माल सौ हो गया यार। 15 लाख? फिर यार तब से ना हालत थोड़ी टाइट चल रही है। तू भी तो था वही। हाँ मैं वही तो था, वो छोटा अपनी देवी बनी थी और वो टीवी स्टार आया था ना जटायू, क्या नाम? छोड़ यार, हाँ मैंने तेरे को सेंटी कर दिया ना यार। अभी तू ये खा क्यों नहीं रहा? चटनी चटनी ले आ यार। छोटू चटनी क्यों नहीं लाया अभी तक यार, इतनी देर लगाते हैं। छोड़ तू पीना यार। और बता तेरा क्या चल रहा है? गोदाम में जब हम पीते थे तो टाइम का पता ही नहीं चलता था, बट उस दिन जब रॉनी रेस्टोरेंट में आया तो बस ऐसा लग रहा था कि जल्दी से फ्रूट बियर की बोतलें खत्म हो और रॉनी यहाँ से निकल जाए। वो कैलेंडर नहीं छपाया तूने? यार वो छपाने वाला था बट छपवाले बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। मेन्यू कार्ड है, मैं ले जाऊँ बंटवा दूंगा। ठीक है ना? ओए यार मजा आ गया तेरे से मिलके बड़े दिनों बाद है कुकू माथुर। वो तू काम कर यार, मैं रात को फोन करता हूँ, ये बंटवाता हूँ भी जाके। ठीक है गाड़ी बार बार टूट जाती है? क्या आप परीक्षा में बार बार फेल हो जाते हैं? क्या आपकी बीवी बदचलन है? उस दिन कुछ अजीब अजीब सा लगने लगा। नो प्रॉब्लम, पाइए बाबा जी की कृपा। रात को नींद ही नहीं आई, रेस्टोरेंट में बैठा रहा बहुत देर। गरम ताजा आशीर्वाद। सुबह उठा तो सिर में दर्द, गरम पानी पिया, योगा किया, पॉटी भी खुल के आ गई, फिर भी कुछ अजीब अजीब सा लग रहा था। बेटे, हाँ? आजकल बिजनेस में भी संडे की छुट्टी होती है क्या? नहीं बेटा, मैं इसलिए पूछ रहा था कि तुम रेस्टोरेंट नहीं गए ना, इसलिए। बस जा ही रहा हूँ पापा। भांजे जी, इसको हो क्या गया है? अरे उसको छोड़िए मामा जी, हमें तो आपकी चिंता हो रही है। अरे हमको क्या हुआ प्रभाकर? अरे नहीं, आप उस दिन बोल रहे थे ना कंपनी प्राइवेट हो रही है। हाँ तो मामा जी देखिए, मतलब बुरा मत मानिएगा लेकिन एमए बीए और अपना एमबीए में बहुत बड़ा फ़र्क है ना मामा जी। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब सोच लीजिए, कोई जल्दी नहीं है, सोच लीजिए। हम तो मतलब कह रहे थे कलम से कंप्यूटर तक का सफ़र महंगा ना पड़ जाए कहीं। कृपा आप तक पहुंचना चाहती है पर रास्ते में इतनी कठिनाइयां हैं, कभी ट्रैफिक जैम, नो एंट्री, रेलवे फाटक, नाकाबंदी, इन सब से होकर कृपा जब गुजरती है तो वो थक हार का चूर चूर हो जाती है, बिखर जाती है। आपकी कृपा आप तक सही सलामत हॉट एंड फ्रेश कैसे पहुंचेगी, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ये रुपए पैसे नोट नहीं चाहिए। अरे पैसे तो आप एंट्री पर दे चुके हो ना, तो फिर हर बार पैसे क्यों? आपकी श्रद्धा चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए, आपका त्याग चाहिए, आपका बलिदान चाहिए। अब चाहिए तो चाहिए, शुरू कीजिए जी। वो भी श्रद्धालु जो है प्रश्न पूछना चाहता है बाबा जी से, वो अपना हाथ उठाओ जी। शांति 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 शांति। अरे यार मेरे को दो। हाँ माता जी। प्रणाम गुरु जी। गुरु जी मेरे दो बेटे हैं, बचपन से बहुत झगड़ते हैं, घर का बंटवारा हो चुका है, कभी एक के घर कभी दूसरे के घर रहती हूँ, मुझे बहुत रोना आता है। माता जी गोलगप्पे खाती हैं जी? गोलगप्पे खाती हूँ कभी कभी। चटनी कौन सी इस्तेमाल करती हैं? लाल चटनी हरी चटनी? लाल सौंठ वाली। इस बार हरी वाली चटनी इस्तेमाल कीजिए जी बाबा। और हरी हरी चूड़ियाँ माँ पे चढ़ा दीजिए जी बाबा जी। जय हो। कृपा बनी। अरे भैया यहाँ मेरे को, इधर इधर भैया, हाँ इधर इधर, हाँ। बाबा जी प्रणाम। बाबा जी साल भर पूरा दिल लगा के पढ़ाई करता हूँ लेकिन एग्जाम के टाइम में सब गुड़गोबर कर देता हूँ। अब तो घर वालों ने भी चेतावनी दे दी है कि अगर इस साल पास नहीं हुए तो सब्जी का ठेला लगवा देंगे। दारू पियो कभी? अरे नहीं बाबा नहीं, कभी नहीं, छुआ भी नहीं आज तक। कभी एक ढक्कन ना बाबा? कभी दोस्तों ने कोल्ड ड्रिंक समझा के पिला दियो? नहीं 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 कभी नहीं।
दारू की दुकान पड़ती होगी कभी घर के आसपास? हाँ वो है, घर के थोड़ा आगे चल के, वो बाएं तरफ पे, नहीं बाबा दाएं तरफ है। आते वक्त तो बाएं तरफ पड़ती होगी ना? हाँ। आते वक्त बाएं तरफ दारू की दुकान से एक बियर लो। बाबा जी सादी या ठंडी? मतलब ठीक है बाबा जी। और माँ पे चढ़ा देना, कृपा बनी रहे। जय हो बाबा जी की, जय हो बाबा जी की, जय हो। अरे एक सेकंड, छोड़ो छोड़ो, शांति शांति शांति। आपको क्या चाहिए? कृपा। कैसी कृपा चाहिए? हॉट एंड जी को फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर भी ऐड कर सकते हैं। मेरे को भी मिलना है यार। और प्राइवेट सेशन का 500 रुपया एनी टाइम एनीवेयर। फेथ समझता है? विश्वास। इंसान का फेथ जब मूर्ति में कम हो जाता है तो वो हमारी शरण में आता है, और हम उसको वही फेथ किसी और चीज में डाल के उसे सौंप देते हैं। फेथ देख, फेथ मेरा तुझ में, फेथ तेरा मुझ में, फेथ। लेकिन बाबा जी मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे फेथ आ गया है? एक सिग्नल, एक साइन, कहीं कोई लाइटिंग, कहीं कोई आवाज, और तुमको विश्वास हो जाता है कि फेथ है, एनलाइटमेंट। क्या कहा बाबा जी? एनलाइटमेंट। क्या कहा बाबा जी आपने? ये क्या कह दिया मैंने? ये बाबा ही क्या बोल गया? ये देख, ये मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाँ बाबा जी, पर मुझे कब होगा एनलाइटमेंट? हो जाएगा बगले, आज बाबा को हो गया, कल तुझे भी हो जाएगा एनलाइटमेंट। कृपा बनी रहेगी, जा नजदीकियां बन गई। अजब इत्तेफाक है, कह डाले दिल की बातें अब यही। अजब इत्तेफाक है। अबे साले चाय बना रहे, भगवान कसम आदमी के नाम पर कलंक हो तुम यहाँ। अरे एक मिनट एक मिनट, बाद में करते हैं फोन। क्या हुआ? कुकु का है। क्या हुआ? क्या लिखा? फोन नहीं उठा रहा। अच्छा, हमारा तो हर पांच पांच मिनट उठा रहा। इग्नोर तो नहीं कर रहा तुम्हें? वैसे इग्नोर करने वाली तो कोई चीज है नहीं आपके अंदर। नहीं, हम तो ऐसे ही कह रहे हैं। अबे कितने हरामी हो तुम प्रभाकर यार, कसम से ये क्या कर रहे हो यार? मेरे को पता ही नहीं चल रहा था कि ये एनलाइटमेंट कब होगा, कैसे होगा। कुकु छोटा बहुत रो रही है। क्या क्या बात है? तू बस जल्दी से घर आ जाओ। अरे छोटा छोटा, दरवाजा खोल छोटा। पता नहीं दरवाजा नहीं खोल रही। छोटा दरवाजा खोलो। छोटा 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 दरवाजा खोल। हुआ क्या है? जब से स्कूल से आई है रोई जा रही है, कुछ नहीं बता रही है क्या हुआ। छोटा मिताली की शर्ट। छोटा रोना बंद करो। नहीं भैया, आप प्लीज दरवाजा मत खोलना। छोटा कुछ करना मत। छोटा मुझे बता हुआ क्या है। नहीं भैया, मुझे आपको कुछ नहीं बताना। छोटा मम्मा क्या कहती थी? कोई भी प्रॉब्लम हो कि हम साथ में सॉल्व करेंगे, है ना? मैं अंदर आ रहा हूँ और तुम मुझे बताओ कि क्यों हुआ क्या है, ठीक है? छोटा क्या हुआ? छोटा है? क्या हुआ? भैया मैं फेल हो जाऊंगी। क्यों? तू तो कहते तेरे सर पेपर टॉप क्लास जा रहे हैं। भैया मैंने पेपर लीक किया था, मेरी प्रिपरेशन अच्छी थी, बस 3 चैप्टर से बचे थे, पर प्रभाकर भैया बार बार बोल रहे थे कि पूछ कैसे बिना पढ़े ज्यादा मार्क्स ले सकते हैं, तो मैंने पूछ लिया।
प्रभाकर भैया मुझे फ्रेंड्स कॉलोनी ले गए प्रिंटर प्रेस वाले के पास और वहाँ से हमने पेपर लीक कर लिया। इंग्लिश मैथ साइंस सोशल सबके पेपर वही सेम टू सेम आए, पर फिर मैडम को पता चल गया और संस्कृत का पेपर चेंज कर दिया। मुझे तो ये प्रभाकर भैया पहले से ही क्रिमिनल टाइप के लगते हैं। मेरे साथ भी ये किया? भैया मैं चाहती तो वैसे भी टॉप कर सकती थी। मैं चाहता रेस्टोरेंट नहीं तो ढाबा तो खुल ही सकता था। मैंने प्रभाकर भैया की बातों में आके पेपर लीक कर लिया और मैंने उनकी बातों में आके रोनी का गोडाउन चला दिया। रोनी का गोडाउन चला दिया? ये तो क्या बकवास कर रहा है कुकू? अब मैं नीतू मैम से सॉरी भी नहीं बोल सकती। एक सिग्नल, कहीं पे कोई लाइटिंग, लाइट, 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 एनलाइटमेंट। लाइट ऑफ ट्रूथ, एनलाइटमेंट हो रही है ताली? एनलाइटमेंट हो रही है, मुझे एनलाइटमेंट हो रहा है। क्या? मेरी एनलाइटमेंट हो रही है, ये एनलाइटमेंट है, लाइट ऑफ ट्रूथ। मुझे सब पता चल गया, मैंने क्या गलती करी है। मैं रोनी से सॉरी बोलूंगा, मैं रोनी को बता दूंगा सब कुछ। तू रो मत, रो मत। मैं रोनी से सॉरी बोलूंगा, मैं सॉरी बोलूंगा उससे। अरे पापा, ऑफिस से जल्दी छुट्टी हो गई क्या? अरे छुट्टी नहीं कुकु बेटा, मैंने हमेशा के लिए छुट्टी ले ली। मतलब? मतलब नौकरी से वीआरएस ले लिया। ये देखो लाखों रुपया मिले हैं मुझे, अब ये पैसा मैं तुम्हारे बिजनेस में लगा दूंगा। क्यों? अरे तुम्हारे प्रभाकर भैया ने बहुत अच्छा आइडिया दिया। अरे बेटा प्राइवेट नौकरी भी क्या रखा है बेटा, हैं? सॉरी पापा। अरे बेटा कोई बात नहीं बेटा। सॉरी। अरे मेरा बेटा तो इमोशनल हो गया, पर आज लाइट में क्या गड़बड़ी है? लगता है वोल्टेज डाउन हो गया। बेबी यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्रिश्चियन सबके हैं, एक के नहीं हो सकते हैं, समझ रहे हो? हाँ। कुछ शर्म नहीं आई ना? ए, एक मिनट। क्रिमिनल ऑफ क्रिमिनल, मुझे चोर बना दिया आपने। व्हाट हैपेंड एंगी यंग मैन? यू हैपेंड प्रभाकर शुक्ला, यू। तुम्हारी वजह से मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड की लंका लगा दी, तुम्हारी वजह से छोटा फेल हो गई, पापा की नौकरी छूट गई। काम डाउन माथुर, प्लीज लेट मी एक्सप्लेन। क्या एक्सप्लेन करोगे आप? हाँ क्या एक्सप्लेन करोगे? मुझसे चोरी करवाई और मुझसे ही चोरी की, 15 लाख का माल बेच के 12 लाख दी मुझे। क्यों? उस दिन रात में तुमने रोनी मैचिंग सेंटर के कैलेंडर को फाड़ा था जब गुस्से में आकर, तब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? क्या फर्क नहीं, पड़ता नहीं, है? नहीं, नहीं, नहीं। उस समय तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट फर्क क्या पड़ता है इससे? दोस्त की बिजनेस का बिजनेस तो हमने तो गुरु जीजान लगा के तुम्हें बना दिया बिजनेसमैन। हमने जो वादा किया था हमने निभाया, और हमने तो सिर्फ तुम्हें राह दिखाई है कुक्कू माथुर। कर्म तो स्वयं तुम्हारे ही के हैं, और किया भी तो क्या बड़ा किया, कौन से रोनिक दादाजी ने सत्य कर्म करके वो गोडाउन बनवाया था, हैं? हर बिजनेसमैन जो है ना किसी के कंधे पे चढ़कर ही बिजनेसमैन बन पाता है। अब बताओ तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बिजनेस की दोस्त? दोस्त क्या बोले? दोस्त नहीं, जोर से बोलो, सुनाई नहीं दिया। दोस्त? हाँ तो फिर फंटास्टिक है ना कुकु भैया, जाओ दोस्त पास और लगा लो गले, माफ कर देगा अगर भगवान ने चाहा तो। जाओ 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 जाओ, गुड लक। हाँ अरे सुनो सुनो, हमारा नाम लगा देना, हम संभाल लेंगे। हाँ मोस्ट वेलकम, जाओ जाओ भाग के जाओ। भागो भागो। Oh, 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 oh
से पूछिए ना दुकान का पता। शहर में अच्छा ये देखो देखो पीली वाली देखो एक बारी। मेरा 500 तक। 500 रुपए 500 रुपए की कोई साड़ी नहीं मिलती। देखो मेरे में आपको मिलेगी 750 रुपए की। आपको 750 रुपए मैडम आपको कौन से कलर में कुछ तो बताओ। हेलो जेंट्री देख के साड़ी दिखाया कर। ये ले ये मजेंटा वाली दिखा, ये पसंद आएगी मैडम को। ठीक है तो कीमत बता। अरे आपसे मजा ज्यादा लेना है जी। ओ आजो जी आजो मैडम। ओए कैंपा मिला मैडम को। मैडम यहाँ पे ना सारी साड़ियाँ मिलती हैं, पार्टी वाली, बर्थडे वाली और स्पेशल जागरण वाली। बताओ आपको कौन सी चाहिए। सुरेश सुरेश कौन सी साड़ी है मेरा मतलब सुरेश कौन से वाले जी। हमारे वाले। आपके वाले ठीक है, पर आप कहाँ से हो। दरभंगा। दरभंगा से सुरेश। कौन सी लॉट की साड़ी। वही लॉट जो गोदाम में चल गया था। गोदाम में चले हुए लॉट की साड़ी। गोदाम में चले हुए लॉट की साड़ी तेरे पास क्या कर रही है। मतलब बिहारी बिहारी ने दिया ना। बिहारी ने दिया साड़ी। साड़ी लॉट गोदाम के लॉट की साड़ी पहन के शर्मा रही है यहाँ पे। बिहारी को रास्ता ने बिहारी को। ओए सुनील बिहारी को बुला के ला। बिहारी साला मेरे पैसे से मेरी गर्लफ्रेंड बना ली। और देख क्या रहा है डाल गट्टी। आज तू देखियो भूत बना देगा साले का। साले उसके गुलाटियों से पंगा लिया। यार तेरे को तो आके फिर से सूतूंगा। ओ यार पता मैं आज कुकू। यार ये सब क्या बोल रहे है। कुकू थोड़ी ना ये सब कर सकता है। किए आंटी रोनी किधर है। रोनी तो उत्ते में। कुकू क्या हुआ पुत्र। कुकू रोनी भाई सॉरी यार। क्या सॉरी। सॉरी क्यों भाई। वो तूने कोई दाम चलाया ना। सच्ची बता दे चलाया ना तूने। हाँ भाई लेकिन साले शर्म नहीं आई तेरे को। पैसे चाहिए थे मुझसे ही मांग लेता चोर। फिर अब यहाँ क्या करने आया है। तातो और इमांचु कहने तेरे को मार रहे तो कुटाई से बचने यहाँ के ड्रामे कर रहा है। क्या बात कर रहा है रोनी। मैं किसे डर के नहीं आया। मैं खुद आया हूँ। मुझे एनलाइटमेंट हुए भाई एनलाइटमेंट। कंटा एनलाइटमेंट चला जाए यहाँ से। एनलाइटमेंट हुआ है भाई। छोटा फेल हो गई है पेपर में। और जब छोटा ने मुझे बताया कैसे पेपर लीक करवाया प्रभाकर भैया ने और वो फेल हो गई। कैसे पापा की नौकरी छूट गई उनके कहने पे और कैसे मैंने अपने भाई की लंका लगा दी। तब मुझे एनलाइटमेंट हुआ भाई। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने भी यही गलती की थी। अपने भाई के गोदाम में आग लगा के अपना होटल डाला। भाई यार सारा बिजनेस छोड़ के आया हूँ। प्लीज माफ कर दे यार। ओ रुक जा एक सेकंड तेरा। क्या कर रहा है भाई। ओ यार ओए लाला अबे अंधा क्या आगे जाम लगाया कुछ एक सेकंड यार। हां रोनी किधर हो। वो पहुंच रहे हैं यार जाम में फंसे हुए गंदे से। तू टेंशन ना ले बेटा छोड़ेंगे नहीं आज उसको। भूत बना के आएंगे साले का। जाम में हो। देखो भाई वो लोग जाम में फंसे हैं भाई। मैं डर के नहीं आया। मुझे एनलाइटमेंट हुआ है भाई। कुकू वो ये तो कुकू की आवाज है। ओए कुकू घर पे पहुंचा हुआ है। कुकू घर पहुंच गया और सोच क्या रहा है। निकाल गट्टी वो हटो भाई माफ कर दे यार। मेरी तो माँ भी नहीं है। गुलाटी तो मुझे जेल पहुंचाना चाहते थे लेकिन बाबा जी ने बचा लिया। पर सब कुछ नहीं बचा पाए। पापा के वीआरएस के पैसे जो सुबह आए वो शाम को चले गए और मेरा रेस्टोरेंट भी गया। अब रोनी बोलता भी तो क्या बोलता। गलती तो मेरी ही थी लेकिन एक बात क्लियर थी
प्रभाकर भैया आज मेरे हाथों से बचने नहीं वाले थे। तो आज नहीं छोड़ूंगा। अरे प्रभाकर क्या हुआ बेटा? पूछे मामा, ये सब कैसे हुआ? क्या पहन रखा है बता दो, बता दो। अंकल अंकल और बे, मैं प्रभाकर। मैं भी प्रभाकर। कैसे बेटा? और मैं क्या इलाज है गुरुजी? आज से इसका नाम होगा आई लव यू प्रभाकर। प्रभाकर का बाप। आज बहुत दिन बाद पापा हमारे कमरे में आए। उनको आज तक ऐसा नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था कि आज हम तीनों ही मम्मी को बहुत मिस कर रहे हैं। पापा आई एम सॉरी पापा, मेरे वजह से ये सब। कुकु बेटा, तुम्हारी या छोटा की कोई गलती नहीं है। मैं भी तो प्रभाकर की बातों में आ गया ना बेटा, हैं? अगर तुम्हारी बातों पे भरोसा करता बेटा तो तुम्हें तुम्हारे रेस्टोरेंट के लिए पहले ही मदद नहीं करता बेटा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रानी भैया क्या कर रहे हो? साड़ी इतनी अच्छी है फिर भी मैच नहीं कर रहा। ये हो गया 100% मैच। इससे बढ़िया कहीं नहीं मिलेगा आंटी जी आपको। ये भी मैच नहीं कर रहा है भैया। साड़ी का कलर ऑरेंज है और तुम मुझे मरून दिखा रहे हो। कितना मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। एक भी ढंग का कलर उधर खाना ले ले। क्या छोटू दिखा जरा, मैं आता हूं। दिखा छोटू। हां हां वो वाला ले आयो। रख तो मम्मा, थोड़ी देर में खा लूंगा। क्यों नहीं जरूर आएंगे। ये बंदे कौन है? सुबह से यहां बैठे थे। मैनू नहीं पता। ओके जी। हिमांशु हाँ क्या हुआ? बंदे कौन है? वो इंश्योरेंस वाले हैं। इंश्योरेंस? वो गोडाउन की इंश्योरेंस देने आए हैं। गोडाउन का इंश्योरेंस था? और नहीं तो क्या, हम पागल लग रहे तेरे को? खाने को क्या लाया हुआ? ओए तो कुकोरी से पैसे क्यों लिए यार? ओ कु 24 घंटे यार उसका अगले का नाम ना लिया कर मेरे सामने। मम्मी समझा दो आप इसको। अब तो मेरी बात सुन ले, गुलाटी है हम। गोडाउन जलाया उसने हमारा। अब क्या घर बुला के उसे दही बल्ले खिलाऊं? इतना भी नहीं बनता हमारा। खाना छोड़ो, अक्कल ढूंढो उसके दिमाग में थोड़ी सी। पागल हो गया ये। रब ने भी माफ कर देना सी उस बिन मादे बच्चे नू। सबनू पता है किसी तो डर के नहीं आया सी, आप पे आया सी माफी मांगन ले। अपने सारे मेहनत तो मिट्टी पाके अपनी गलती सुधारन ले। पर तू क्यों माफ करेगा उन्नू? तू है तो गुलाटियां दा खून। खाना खा ले। क्या कर रहा है छोटू? बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। नहीं मैच कर रहा है। पता नहीं इतनी सारी दुकानें देख कर आई मैं। और रोनी भैया इस बार क्या हो गया? माल नहीं आ रहा क्या? पता है परसों मैंने शादी में जाना है, टेलर को ब्लाउज सिलवाने देना है। कब ब्लाउज सिलेगा, कब मैं साड़ी पहनूंगी? ये मैचिंग सेंटर है लेकिन कुछ भी मैच नहीं कर रहा। आंटी जी एक बात बताओ। बोलो। ये बच्चे आपके? बिल्कुल मेरे। मैच नहीं कर रहे ना? मैंने नहीं लेना ब्लाउज। मैंने कौन सा देना है ब्लाउज? लाओ जाओ यहाँ से। जाओ यार अपना दिमाग ठीक कराओ पहले। छोटा बेटा ये यहाँ से। मिताली आई एम सॉरी यार, ये सब हो गया और मैंने बताया नहीं। इट्स ओके कुकू, गलतियाँ तो सबसे होती हैं पर गलती को रियलाइज करना उसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। देख। हाँ पापा। कौन है यार? मैं देखता हूँ। कर। जय भोले शंकर की मातो। जय भोले शंकर। मातो साहब वो हम धर्मशाला से आए हैं। जी जी। वो 13वीं का फंक्शन है, मामूली सा फंक्शन है तो उसके लिए खाने का है। दाल कोई सी भी चलेगी, अरहर की नहीं होनी चाहिए, रोटी सूखी सब्जी और हाँ अचार तो आप कम्प्लीमेंट्री दे ही रहे हो ना? क्या ये बेटा? वो तेरी के खाने के लिए ऑर्डर देने आए हैं। हाँ छिटके भैया, वो हम धर्मशाला से आए हैं।
वो हमारे दर्शन लाल जी थे ना, 35 साल से सेवा कर रहे थे धर्मशाला की, उनका स्वर्गवास हो गया, तो उनकी तेरहवीं के लिए ये हम खाने की लिस्ट लेके आए हैं आपके पास। सॉरी, अब हम ये कोई काम नहीं करते। चलो पापा। काम नहीं करते? कैसी बातें कर रहे हो भैया, ये धर्म का काम है, इसके लिए मना मत करो। अरे अब हम केटरिंग नहीं करते हैं यार। केटरिंग नहीं करते तो फिर क्या करते हो हैं? सब पता है मुझे, ये सब पैसों का चक्कर है। हाँ, पैसों का चक्कर की दुनिया है। पैसों के पीछे पागल हो गई है, कुछ दिखाई नहीं देता किसी को। चलो पापा आप चलते हैं। आप लोग क्या कर रहे हो? रेस्टोरेंट नहीं है तो क्या हुआ, हम केटरिंग का बिजनेस तो कर सकते हैं ना। अपॉर्चुनिटी खुद सामने से आई है। मिताली प्लीज, तुम्हें नहीं पता यार। चलो पापा। अब देखो बेटा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बिल्कुल सही कह रही है, हमें केटरिंग खोलने का मौका मिला है, तो ये मौका अपने हाथ से कैसे जाने दे बेटा। मुझे नहीं करना है यार। चलो। लेकिन हमें तो करना है। माथुर साहब, जय भोले शंकर की। जय शंकर, आपका काम हो जाएगा। ये क्या कर रहे हो आप, रेस्टोरेंट मेरा था, आप मेरा नाम नहीं यूज कर सकते। वाह बेटा, पिछले 19 साल से तुम मेरा नाम इस्तेमाल कर रहे हो, मैंने कभी एतराज किया है? अरे बाप, माथुर पहले पैदा हुआ उसके बाद बेटा माथुर पैदा हुआ, समझे? और फिर उसके बाद पैदा हुआ रॉनी गुलाटी, फ्रूट बियर। मुझे पता है तू यहाँ क्यों आया है। दादाजी से कह देना जो बाकी बचे पैसे हैं 4-5 महीने में कुछ भी करके मैं वापस कर दूंगा, तू टेंशन ना ले। तू पागल हो गया कुकू, तुझे लगता है मैं यहाँ पे पैसे मांगने आया हूँ? यार मुझे और हिमांशु में ना बहुत फर्क है, मैं तुझे देने आया था यहाँ पे। ये क्या है? कुकू तेरोनी केटरिंग सर्विसेज, इतने दिनों से इस पर काम कर रहा था मैं, तू पता नहीं क्या सोचता है यार। किसी तरह अंकल जी को भी तो फेस करना था ना मैंने, और जब मुझे पता चला कि दादाजी को इंश्योरेंस के पैसे मिलने वाले हैं और उन्होंने अंकल जी की वीआरएस भी ले ली, तो मुझे भी वो गया यार एनलाइटमेंट कि दादाजी हमेशा राइट नहीं होते, मैं उनसे लड़के अपने हक के पैसे मांग के आया हूं। हम तो बचपन से साथ है ना यार, तो बिजनेस भी साथ ही करेंगे ना, कुकू तेरोनी केटरिंग सर्विसेज। हूं मैं गुलाटी, तेरा तो दोस्त हूं ना यार। तू अपने दादाजी से लड़के मेरी हेल्प करेगा क्यों? तेरी मां नहीं है ना इसलिए। तड़के दी दाल विच आलू उबाल विच मिर्चा भी डाल विच, ओहो सारी दी फॉल विच कुड़ियां दे नाल विच शब्बो दी खाल विच, ओहो मस्ती दे हाल विच फसया मैं जाल विच, ओहो आ रही हो, बहुत खुशबू आ रही है। खुशबू? पानी उबाल रहे हैं। तुम तो कुछ भी बनाती हो बहुत खुशबू ही आती है। अरे तो का हुआ, मतलब शादी की है मजाक की है?
जिंदगी है झंड पर घमंड थोड़ा हट कर ठंड हो गई कड़की सड़की थोड़ी ठंड हो गई मई के महीने बड़ी ठंड हो गई न्यू एग्जांपल विस्की न सोडा शाली न घोड़ा की न तोड़ा कंबल ओढ़ा तो कंबल पिटाई मेरे संग हो 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 तेरी हो गई लगी सेल सीजन है होली तेरी हो हो तेरी हो हो तेरी हो हो तेरी हो गई सरसों का स्वैग ब्रेक द बीट बीट तो ब्रेक की नहीं है अरे बस हो गया तुम्हारा गाना बंद करो अंदर ये कंप्यूटर पे म्यूजिक बनाते हैं की दुकान पंजाबी बाग में सिर्फ पंजाबी रहते हैं दिल्ली वाला रेस्पेक्ट चुप कर